तो नेक्स्ट वी हैव 134. इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर आर 1,2, 0,1 एंड 1,0, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर. ठीक है, देखो एक ट्रेंगल गिवन है पी क्यू आर एंड उसके साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है. ठीक है, ये ट्रेंगल है पी क्यू और आर. ठीक है, एंड मिड पॉइंट भी गिवन है हमें 1,2. ठीक है, एंड 0,1 एंड 1,0 हमें निकालना है जिस वर्टाइसिस. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने ओके ठीक. तो देखो हम ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1. ठीक है, एंड क्यू के मान लेते हैं x2, y2 एंड आर के मान लेते हैं x3, y3. ठीक है, अब देखो 1,0 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. सो अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू दिस x1 प्लस x3 अपॉन 2. ठीक है, x है यहाँ पे 1, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट x1 प्लस x3 इक्वल टू 2. ठीक है, टेक इट इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो बाई कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होगा एंड बाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा y1 प्लस y3 अपॉन 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट y1 प्लस y3 इक्वल टू 0. टेक इट इक्वेशन सेकेंड. अब देखो 0,1 इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. ठीक है, सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0 एंड ये इक्वल होगा x3 प्लस x2 अपॉन 2 के. ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो बी गेट x3 प्लस x2 इक्वल टू 0. सो टेक इट इक्वेशन 3. अब वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट है इसका 1, सो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x3 बाय 3 प्लस y2 अपॉन 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट y3 प्लस y2 इक्वल टू 2. टेक इट इक्वेशन 4. अब देखो जो 1,2 है दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ठीक है, तो 1,2 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. तो यहां से मैं आ जाएगा देखो 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 2. सो टेक इट इक्वेशन 5. ठीक है, एंड ये और इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4. सो टेक इट इक्वेशन 6. अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशंस हैं उन्हें एक साइड लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशंस हैं उन्हें दूसरी साइड लिखेंगे. सो पहली इक्वेशन जो हमें मिलती है वो है x1 प्लस x3 इक्वल टू 2. ठीक है, सो ये आ जाएगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2. सो टेक इट इक्वेशन सॉरी ये तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 मान ली है. ठीक है, अब देखो एक है अपने पास x3 प्लस x2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास x3 प्लस x2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन 3. एंड दिस x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 दिस इज इक्वेशन 5. सो x1 प्लस
एक्स टू इक्वल टू टू, तो दिस इज इक्वेशन फाइव। अब बाय कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन है वो है वाई वन प्लस वाई थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये है इक्वेशन टू, वाई वन प्लस वाई थ्री इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन टू, एंड वाई थ्री प्लस वाई टू इक्वल टू टू एंड दिस इज इक्वेशन फोर, वाई थ्री प्लस वाई टू इज इक्वल टू टू है या फोर, टू था टू, ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन फोर, एंड वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू फोर एंड दिस इज इक्वेशन सिक्स। सो अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फाइव, ठीक है, तो हमें क्या करना है इक्वेशन फाइव में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इक्वेशन फाइव है एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टू एंड इक्वेशन वन है दिस, तो इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, सो याद है माइनस एक्स वन माइनस एक्स थ्री इक्वल टू माइनस टू, सो प्लस एक्स वन से माइनस एक्स वन कैंसिल हो जाएगा एंड अपने पास आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, टेक इट इक्वेशन सेवन। अब देखो एडिंग इक्वेशन सेवन एंड थ्री, ठीक है, एंड नाउ थर्ड इक्वेशन है अपने पास एक्स थ्री प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड सेवन है एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो इन्हें ऐड किया, ऐड करने पर क्या होगा एक्स थ्री से माइनस एक्स थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड बी गेट टू एक्स टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सो पुट दिस एक्स टू इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, ठीक है, एंड इक्वेशन थ्री है अपने पास दिस एक्स थ्री प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो, सो इधर से अपने पास क्या आ जाएगा कि एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स टू एंड एक्स टू इज जीरो, ठीक है, सो ये अपने पास आ जाएगा एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इस एक्स थ्री को हम पुट करेंगे इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास, पुट दिस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट है एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू टू, तो एक्स थ्री की जगह जीरो पुट करेंगे सो अपने पास आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने पास आ गए, अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम सिक्स, ठीक है, सिक्स है अपने पास वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू फोर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड है वाई वन प्लस वाई थ्री इक्वल टू जीरो, सो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सो माइनस साइन के साथ लिखेंगे वाई वन माइनस वाई थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये देखो वाई वन से माइनस वाई वन कैंसिल हो जाएगा एंड अपने पास आ जाएगा वाई टू माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू फोर, टेक इट इक्वेशन एट। अब क्या करना है, एड इक्वेशन एट एंड फोर, ठीक है, अब एट है अपने पास वाई टू माइनस वाई थ्री इक्वल टू फोर एंड फोर्थ इक्वेशन है वाई थ्री प्लस वाई टू इक्वल टू टू, ठीक है, सो ऐड किया सो माइनस बाय थ्री से प्लस बाय थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड बी गेट टू बाई थ्री इक्वल टू सॉरी टू बाई टू इक्वल टू फोर प्लस टू, तो ये आ जाएगा सिक्स, ठीक है, तो बी गेट बाई टू इक्वल टू थ्री। सो नाउ पुट दिस बाई टू इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फोर, ठीक है, एंड इक्वेशन फोर है अपने पास बाय थ्री प्लस बाय टू इक्वल टू टू, ठीक है, तो ये है बाय थ्री प्लस बाय टू इक्वल टू थ्री, तो इसमें क्या करेंगे, सॉरी ये टू है, तो बाय थ्री प्लस बाय टू की जगह थ्री पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बाय थ्री प्लस थ्री इक्वल टू टू, एंड बाय थ्री इक्वल टू वी गेट माइनस वन। अब क्या करेंगे, पुट दिस बाय थ्री इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड है अपने पास, देखो इक्वेशन सेकेंड है वाई वन प्लस बाय थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई वन प्लस बाय थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई वन इज इक्वल टू माइनस बाय थ्री, एंड बाय थ्री इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी गेट वाई वन इक्वल टू वन। सो जो वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल है वो आ जाएगा अपने पास P इक्वल टू आ जाएगा 2.1, ठीक है, एंड Q Q इक्वल टू वी गेट दिस 0.3, ठीक है, एंड R इक्वल टू वी गेट दिस 0.-1, ठीक है, सो दिस इज द आंसर।